कोचिंग का, बाकी कोई कोचिंग किसी को सफलता नहीं दिलाती। कोचिंग का एक जो इंपॉर्टेंट पहलू है कोचिंग का, वो ये है, क्यों? क्योंकि सारा खेल यहां पे है, ये आंख यहां पे है, ये आंख जिसकी खुलनी शुरू हो जाती है, जितने लोग भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि हमें कोचिंग ना करना पड़े और हम सिलेक्शन ले लें। बहुत सारे हमारे भाई हैं, बहन हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि सब कोचिंग ले सकें। कोचिंग का एक जो इंपॉर्टेंट पहलू है कोचिंग का, वो ये है कि कोचिंग में जो चीज आप 2 साल में करेंगे खुद से, वो कोचिंग आपको 6 महीने में करा देती है। तो वो जो 18 महीने आपका बचा, वो उसका पैसा लेती है। बस इतना ही महत्व है कोचिंग का, बाकी कोई कोचिंग किसी को सफलता नहीं दिलाती। फिर से बोलूंगा, कोई कोचिंग किसी को, हां, अब द्रोणाचार्य है तो अर्जुन के अंदर वो तत्व है अर्जुन बनने का, और अर्जुन की यह महानता है कि अर्जुन श्रेय द्रोणाचार्य को देता है। इसलिए हमारे जो मित्र आईएएस में सिलेक्शन लेते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, मैं, आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा यह कहते हुए कि मैंने बनाया, सवाल ही नहीं उठता सर। उनके जीवन में उनके मां बाप, उनके स्कूल के टीचर, उनके ग्रेजुएशन के टीचर, उनके प्रवेश ग्रेजुएशन के टीचर, सबका योगदान होता है। किसी भी व्यक्ति की सफलता में, किसी भी क्षेत्र में, किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति द्वारा श्रेय ले लेना गलत है। आज कलयुग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सर? आज कलयुग का आदमी इंद्रियों पे है, उसको लगता है इंद्रियों से बाहर कोई सुख नहीं, इंद्रियों के सिवा कुछ, और यही कैपिटलिज्म की जीत है। इसीलिए वो भारत से नफरत करता है, इसीलिए वो भारत के संतों से नफरत करता है, क्योंकि जिस दिन भारत की 70-80% जनता इंद्रियों से उठकर कॉन्शियस में पहुंच जाएगी, उस दिन पूंजीवाद खड़खड़ाकर भारत में बिखर जाएगा। जिस दिन योग करने से चेहरे पर चमक आ गई, उस दिन फेयर एंड हैंडसम की जरूरत ही क्या है?